जेफ द किलर हॉरर स्टोरी पार्ट 4 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए जेसन और जेफ इस जंगल में आ जाते हैं और थोड़ी देर जंगल में घूमते हुए जेसन को वो घर दिख जाता है जिस घर में गुल्ली बुल्ली और शॉन रुके हुए हैं। जेसन जेफ से उस घर के पास चलने को कहता है और जेसन की बात सुनकर जेफ फौरन ट्रक मोड़कर उस घर की तरफ ले जाने लगता है। इधर घर का मालिक जेसन और जेफ को देखकर घर के अंदर की तरफ भागता है, लेकिन तभी जेसन अपना कुल्हाड़ा फेंक कर घर के मालिक को रोक देता है और अंदर गुल्ली बुल्ली और शॉन आराम से लेटे हुए थे, लेकिन बाहर इतनी हलचल सुनकर गुल्ली गुल्ली से बाहर देखने के लिए कहता है। और फिर जैसे ही गुल्ली बाहर जेसन और जेफ को देखता है, गुल्ली के तो होश उड़ जाते हैं। इधर जेफ और जेसन इस आदमी के पास आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये आदमी जेफ और जेसन से झूठ बोल देता है कि गुल्ली बुल्ली और शॉन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जेफ को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और जेफ जेसन से अंदर जाकर देखने के लिए कहता है और जेफ की बात सुनकर जेसन घर के अंदर जाने लगता है। अब आगे जेसन घर के अंदर आकर चारों तरफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो यहाँ पर है ही नहीं। शायद गुल्ली बुल्ली और शॉन जेसन और जेफ को देखकर कहीं पर छुप गए हैं। जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढता हुआ आगे चल देता है और जेसन एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली और शॉन तो इन्हीं सामानों के पीछे छुपे हुए हैं और जेसन भी इनकी तरफ ही बढ़े जा रहा है। अगर गलती से भी जेसन ने इन तीनों को देख लिया तो ये तीनों जेसन के हाथों बच नहीं पाएंगे। इधर जेफ द किलर ये सोचता है कि जेसन को काफी देर हो गई है, कहीं उसे गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए और कहीं जेसन उन तीनों को अकेले ही न मार दे। यही सोचता हुआ जेफ भी घर के अंदर जाने लगता है। इधर जेसन हर तरफ देखता हुआ आगे आता जा रहा है और अब जेसन गुल्ली बुल्ली और शॉन के बिल्कुल पास में ही आ चुका है, लेकिन तभी पीछे से जेफ द किलर आ जाता है और जेफ जेसन को आवाज लगाता है। और जेसन से कहता है, जेसन वो तीनों तुम्हें अभी तक नहीं मिले, तो इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर नहीं है। चलो आ जाओ, हम उन तीनों को कहीं और चलकर ढूंढते हैं। जेफ की बात सुनकर जेसन भी जेफ के साथ जाने लगता है। इधर घर का मालिक ये सोचे जा रहा है कि कहीं जेफ और जेसन को गुल्ली बुल्ली और शॉन मिल तो नहीं गए, क्योंकि अगर जेफ और जेसन को वो तीनों अंदर मिल गए तो इसका मरना तय है, क्योंकि इसने जेफ और जेसन से झूठ बोल दिया था। यही सोचकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है और घर की दीवार के पीछे आकर छुप जाता है। तभी घर का मालिक देखता है कि जेसन और जेफ घर के बाहर आ गए हैं और अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर जेफ और जेसन अपने ट्रक पर बैठकर यहां से जाने लगते हैं। घर का मालिक जैसे ही देखता है कि जेसन और जेफ यहां से चले गए हैं तो ये फौरन दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है। अंदर आते ही घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो ये समझ जाता है कि ये तीनों कहीं पर छुप गए थे, इसीलिए जेफ और जेसन इन्हें नहीं देख पाए और यहाँ से चले गए। तभी बुल्ली घर के मालिक से कहता है कि हमारी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए, इसीलिए हम यहाँ पर और नहीं रुकना चाहते, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। घर का मालिक कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की बात सुन ली, मैं भी तुम तीनों से यही कहने आ रहा था। चलो अब अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि मैं अभी तुम तीनों को जंगल से बाहर छोड़ कर आऊंगा। तभी शॉन कहता है कि हमारे पास तो कोई सामान ही नहीं है, फिर क्या हम तुम्हारा सामान पैक कर लें। घर का मालिक कहता है कि चलो अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन को जंगल से बाहर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। काफी देर जंगल में आगे चलने के बाद
घर का मालिक गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम तीनों यहाँ से सीधे जा सकते हो, बस थोड़ी दूर चलते ही तुम लोगों को शहर दिख जाएगा। और इतना कहते ही घर का मालिक वापस जाने लगता है। तभी गुल्ली कहता है कि अपना ख्याल रखना, लेकिन ये गुल्ली की बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन भी शहर की तरफ चल देते हैं। इधर घर का मालिक थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि तभी ये रुक कर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये रुक क्यों गया, आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये क्या, आगे तो जेसन और जेफ खड़े हुए हैं। जेसन और जेफ को देखकर घर के मालिक को ऐसा लगता है कि ये दोनों गुल्ली बुल्ली और शॉन की ताक में खड़े हैं, इसीलिए ये बिना डरे ही इनके पास जाने लगता है। लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब जेफ इससे पूछता है कि तुम इतनी रात में शहर की तरफ क्या करने गए थे। जेफ के ये पूछने पर घर का मालिक बहुत घबरा जाता है और फौरन पीछे मुड़कर भागने लगता है। लेकिन ये क्या, जेसन और जेफ ने तो इसको दोनों तरफ से घेर लिया है। तभी जेसन इससे कहता है कि अगर सच बता दोगे तभी तुम्हारी जान बच सकती है। तो ये घर का मालिक जेसन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं उन तीनों को शहर की तरफ छोड़ आया हूँ, तुम लोग अभी जाकर उन तीनों को पकड़ सकते हो और अब मुझे छोड़ दो। और इतना कहकर घर का मालिक यहाँ से भागने लगता है। और तभी ये सब देखकर जेफ जेसन से कहता है, जेसन तुमने उसे मार क्यों दिया, इसमें इसकी क्या गलती थी? जेसन कहता है, जेफ इसमें इसकी ही गलती थी, क्योंकि अगर ये हमसे झूठ नहीं बोलता तो अभी तक हम उन तीनों को मार चुके होते। जेफ कहता है, जेसन फिर तो सारी गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्ही ने उस घर में तलाशी ली थी। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, चलो अब जल्दी से शहर की तरफ चलते हैं। जेफ और जेसन भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने के लिए शहर की तरफ जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन शहर में आ चुके हैं और अब आगे ही चलते जा रहे हैं। तभी शॉन गुल्ली बुल्ली से पूछता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो गुल्ली शॉन को बताता है कि फिलहाल हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि वो दोनों खूनी तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, तो पहले हमें उनसे पीछा छुड़ाना होगा। तभी शॉन कहता है कि देखो पीछे एक आदमी आ रहा है। इसी से ही पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन कहां पर है। इस आदमी के पास आते ही बुल्ली इससे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछता है। तो ये आदमी बताता है कि पुलिस स्टेशन तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है, अगर तुम तीनों सीधे जाओगे तो थोड़े ही आगे तुम्हें पुलिस स्टेशन दिख जाएगा। इस आदमी की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन की तरफ चल देते हैं और ये आदमी भी वापस से आगे चल देता है। इधर जेफ और जेसन भी शहर में आ चुके हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते हुए आगे चलते जा रहे हैं। तभी जेफ को वो आदमी दिखाई देता है जिससे गुल्ली बुल्ली और शॉन ने पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा था। जेफ अपना ट्रक इस आदमी के पास रोकता है और इससे गुल्ली बुल्ली और शॉन के बारे में पूछता है। तो ये आदमी बता देता है कि वो तीनों अभी यहाँ से ही गए हैं और वो अभी थोड़े आगे ही पहुँचे होंगे। इस आदमी की बात सुनते ही जेसन जेफ से कहता है, जेफ अपना ट्रक दौड़ा दो क्योंकि वो तीनों हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। जेसन की बात सुनकर जेफ ट्रक को आगे की तरफ भगाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन आगे चलते जा रहे हैं। तभी ये चलते चलते रुक जाते हैं और आखिर गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन को पीछे से ट्रक की आवाज लगती है और ये तीनों पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। अरे ये क्या, जेफ और जेसन ने तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को देख लिया है। जेफ और जेसन को देखते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन के अंदर भागते हैं और इधर जेफ और जेसन भी इनके पीछे इधर ही आ जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, क्या आप गुल्ली बुल्ली और शॉन बच पाएंगे या अभी भी जेसन और जेफ गुल्ली बुल्ली और शॉन को मार देंगे, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।